नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार से पीड़ित परिवारों को तत्काल टूटे मकानों का मुआवजा एवं पुलिस पर दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल गंभीर धाराओं में एवं अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम व महिलाओं के साथ अभद्रता के साथ मारपीट लूटपाट आदि का मुकदमा दर्ज हो एवं पीड़ित परिवारों पर मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए। प्रदेश सरकार हिटलर और मुसोलिनी जैसा व्यवहार कर रही है। सरकार बनी तो हम इस परिवार को पूरी आर्थिक सहायता देंगे। वैसे हमारे समस्त जनपद में जीते हुए विधायक इस प्रकार की पूरी तरह से मदद करेंगे, जो सरकार पीड़ित परिवार की मदद ना कर सके एवं दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई ना कर सके। ऐसे सरकार को बने रहने का कोई भी हक नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली यह सरकार का स्वयं विनाश होने वाला है। इस दौरान विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, विधायक सदर दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक अतरौलिया संग्राम सिंह यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, फूलपुर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, लौहर यादव, पूर्व जिला प्रभारी प्रधान संघ नगर पंचायत अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर, नगर पंचायत अध्यक्ष हरिशंकर यादव, सुभाष यादव, शंकर यादव, विधानसभा अध्यक्ष सगड़ी शिव सागर यादव, जयराम सिंह पटेल, दुर्गविजय यादव एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और यहाँ क्या पुलिस ने अत्याचार किया है उसको देखने के लिए भेजा है। वो स्वयं आने वाले थे लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण, क्योंकि नेताजी की तबीयत खराब हो गई तो चले गए दिल्ली। मुलायम सिंह यादव जी वेदांता में भर्ती है, जा नहीं रहे हैं तो हमको यहाँ उन्होंने भेजा है। मैं परिवार से कहता हूँ कि वो लोग आप मानो कि मैं ही अखिलेश यादव हूँ, आपके घर आया हूँ। उनके पिताजी बीमार हैं मुलायम सिंह यादव जी, वो वेदांता में चले गए दिल्ली। आप लोग इसके पहले भी यहाँ आए हों जी, पहले भी बात आप सुन पहले भी बात सुने होंगे। 45-46 बरस से मैं विधानसभा की राजनीति में, मेरे भी घर कुड़की हुई है 74-75 में जब इमरजेंसी लगी। आजादी की लड़ाई में भी जो लोग भाग लिए उनकी भी घर कुड़की हुई, तो उसमें तो मैं जिंदा नहीं था, मैंने बच्चा पैदा नहीं था, लेकिन 74 की लड़ाई खुद मैं लड़ा हूँ। जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, छात्र युवक संघ समिति का, और मैं 21 महीने जेल भी रहा हूँ। उस समय हम लोगों के घर में कुड़कियाँ हुई थी, लेकिन पूरी मैंने अपने 45-46-47 वर्ष की राजनीतिक जिंदगी में ऐसा विभत्स रूप पुलिस का तांडव मैंने कभी देखा नहीं। ये विभत्स है, दुखी करने वाला है, निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश की सरकार हिटलर और मुसोलिनी की तरह जो व्यवहार कर रही है, इनके आगे हिटलर और मुसोलिनी भी फेल हो गए। घर तोड़ना, औरतों के प्राइवेट पार्ट में मारना, उनका साड़ी खींचना, बेलाउज फाड़ना, बूढ़ी औरत के मार करके टांग तोड़ देना, इनका गहना रुपया पैसा तीनों घर को लूट लेना, सीधे सीधे डकैती है 395-96। और मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कि तत्काल जितने भी इसमें लगे हुए पुलिस के लोग हैं उन पर लूटपाट डकैती जान से मारने का प्रयास 325, 307, 308, 395, 396 मुकदमा कायम किया जाए और डकैती। सर, महिलाओं का कहना है कि हमारा जो मुकदमा हुआ है 18 लोगों पर और 100 अज्ञात पर, वो वापस किया जाए।